विपक्ष एकता की बैठक में शामिल होने आए राहुल गांधी और खड़गे कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुझे कांग्रेसों में उत्साह का संचार करते हुए कहा है कि आप तमाम मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस को जीत दिलाए। अगर हम बिहार जीत गए तो सारा हिंदुस्तान जीत जाएंगे। खड़गे ने आगे कहा है कि देश के इतिहास में सदाकत आश्रम काफी महत्व रखता है। इस ऑफिस से जो नेता निकला है वो देश की आजादी के लिए लड़ा है। मुझे गर्व है कि राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति बने वो यहीं से निकले थे। आज हम ऐसी पवित्र जगह पर आए हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि सारे विपक्षी पार्टी के लोग एक होना और मिलकर 2024 में मिलकर लड़ना। इसीलिए राहुल गांधी ने पहला कदम उठाया, इन्होंने हमको कहा और हम दोनों ने मिलकर हर एक पार्टी के नेताओं को बुलाकर बात की है। हम मिलकर आगे का कदम उठाएंगे। इस मकसद से हम लोग पटना में मीटिंग कर रहे हैं। हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है उसे बिहार कभी नहीं छोड़ सकता है। अगर हम बिहार जीत गए तो सारा हिंदुस्तान जीत जाएंगे। सब लोग मिलजुल कर कांग्रेस को जुताइए, मतभेद को भुलाकर देश बचाने के लिए काम करिए। सबको एक करना होगा। राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं उसे आगे लेकर जाना है। आपको बता दें कि इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें बब्बर शेर कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा है तो दूसरी तरफ भाजपा आरएसएस की भारत तोड़ो यात्रा है। अपने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में हम पूछते थे कि आप कहां से आए हो तो लोग कहते थे कि बिहार से आया हूं। सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले हैं, हमारी यात्रा में मदद की है। आपने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आप हमारी विचारधारा को मानते हो। भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है, हिंसा फैलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी जोड़ने और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, नफरत को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। हम नफरत से लड़ते हैं इसीलिए मोहब्बत की बात करते हैं। यहाँ पर देश की सभी अपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम सब बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, नतीजा आपको दिख गया कि कर्नाटक में क्या हुआ है। बीजेपी कह रही थी कि उनकी कर्नाटक में भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख ही लिया है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, भाजपा खत्म हो गई। मैं इस मन से कह रहा हूं कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसा ही होगा। भाजपा हारेगी, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। बीजेपी का मतलब पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस का मतलब है गरीबों का साथ देना। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप बब्बर शेर हो। कांग्रेस पार्टी का काम है आपकी रक्षा करना और हम इस काम को पूरा करके दिखाएंगे। बता दें कि आज राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही सदाकत आश्रम गए, वहां जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।